सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल देखकर के आप समझ गए होंगे कि सीता ने किया था एक गलत काम, उसके कारण सीता को भोगना पड़ा था दोबारा वनवास। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सच सुना। एक समय की बात थी जब सीता बहुत छोटी थी। महाराज जनक के फूल बाग में एक दिन का समय था, झूला झूल रही थी। झूला झूलते समय उन्होंने क्या देखा कि एक वृक्ष की डाली पर तोता और तोती का एक जोड़ा बैठा हुआ है। वो वृक्ष की डाली बहुत ही नीची थी, तो आपस में तोता और तोती में बातें हो रही थीं। तोती उस समय गर्भावस्था में थी और तोता अपनी तोती को समझा रहा था कि देखो, तुम नहीं जानती हो जो ये वृक्ष की डाली पर पटली पर बैठी हुई झूला झूल रही है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। तोती कहने लगी, महाराज ये कौन है? जवाब दिया, इसका नाम सीता है और जब ये सीता बड़ी हो जाएगी तब अयोध्या से राम दूल्हा बन करके आएंगे और इसके विवाह में एक शर्त लगाई जाएगी धनुष की, और राम आकर के उस धनुष को उठाएंगे, तोड़ेंगे और तब इस सीता का विवाह राम के साथ में होगा। मित्रों, इधर सीता ने तोता और तोती की सारी बातों को सुन लिया है। जब सारी बातों को सुना तो उसी समय सीता अपने मन ही मन में विचार करने लगी कि ये तोता कितना बड़ा ज्योतिषी है और ये मेरे जीवन के बारे में इतनी बातें बता रहा है, तो और भी जानता होगा। तो उसी समय भक्तों हुआ क्या कि इधर सीता ने पीछे जाकर के जैसे ही तोता को अपने हाथ में पकड़ा, तोती मौका पाकर के भाग गई, तोता को सीता ने पकड़ लिया। और तोता को पकड़ने के बाद में सीता अपने घर पर ले आई और सीता ने उस तोता को एक पिंजड़े में बंद कर लिया। बार बार सीता कहती हैं कि हे तोता, मेरे जीवन के बारे में तू और क्या क्या जानता है मुझे बता दे। उसी समय तोता विनती करता है, कहता है कि हे सीते, मैं अधिक तो नहीं जानता। अरे मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, मैंने तो नारद के मुखारविंद से सुन ली थी। मेरी पत्नी गर्भावस्था में है। विद्वानों का ऐसा मत है कि जो भी लोग यदि स्त्रियां गर्भावस्था में हों उन्हें धार्मिक बातें बताएं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए दें, तो उस बातों का प्रभाव उसके गर्भ के ऊपर पड़ता है। इसलिए मैं अपनी पत्नी तोती को इस तरीका की बातें, धार्मिक बातें बता रहा था जिसका प्रभाव उसके गर्भ पर पड़े। तुम मुझे छोड़ दो, मैं अधिक कुछ नहीं जानता। सीता, तुम्हारा विवाह अयोध्या के रहने वाले राम के साथ में होगा, तुम्हारी तीन तीन सासें होगी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन सीता ने उस तोता की एक भी बात नहीं मानी। सीता बार बार कहती हैं कि तोता और बता मेरे बारे में क्या जानता है। अंत में ये हुआ भक्तों, इधर तोती भाग गई। तोता बार बार विनती करता है, कहता है कि हे सीते, जब मेरी पत्नी के प्रसव का समय नजदीक आएगा, प्रसव की पीड़ाएं होगी, उसके लिए दाना पानी कौन लेकर के आएगा, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन सीता ने जब तोता को नहीं छोड़ा तो तोता अब दुखित होने लगा है। जी हाँ मित्रों, श्राप किसी को दिया नहीं जाता है। जब आत्मा दुखी होती है तो श्राप तो अपने आप आत्मा में से निकल आता है। इधर जब सीता ने तोता को नहीं छोड़ा तो तोता अंतिम सांसें लेने लगा। तोता कहने लगा कि हे सीता, तेरी तीन तीन सास होगी, हजारों दासियों तेरे चारों तरफ घूमेंगी, लेकिन एक दिन तू भी गर्भावस्था में जब आएगी तो जिस तरीका से आज मेरी तोती बन बन में मारी मारी डोल रही है, उसी तरीका से तू भी मारी मारी डोलेगी। इतना श्राप देने के बाद में तोता तो मर गया। मित्रों, श्राप अमर हो गया, वही तोता। सीता तो अयोध्या में बहुत दिन बाद में आ पाई, लेकिन वही तोता अयोध्या में आकर के जब उसका जन्म हुआ तो वही तोता धोबी बन गया। अब वही धोबी अपना मौका देख रहा है कि किस दिन मेरा मौका लगे, उस दिन मैं सीता से अपना बदला लूं। वो बदला लेने के लिए अयोध्या में गया था। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। वैसा ही हुआ, तोता के कहने के अनुसार सीता सयानी हुई है। धनुष की शर्त लगाई गई, राम ने आकर के धनुष को तोड़ा, सीता के साथ में विवाह किया। इधर सीता को लेकर के जैसे ही अयोध्या में आए हैं, इधर कैकेयी के कहने के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनवास मिला है राम को। अब राम के साथ में सीता और लक्ष्मण जैसे ही गए हैं, और लंका का राजा रावण उसे मारने के बाद में, लंका का राजा विभीषण को बनाने के बाद पुनः लौट करके जब आए हैं, जब राम राजा बन गए थे। एक समय की बात थी मित्रों, एक दिन राम स्वयं अपने नगर में घूम रहे थे तो क्या देखा, छुपके से राम ने सुना
कि जो तोता वही धोबी बन गया था, वही धोबी की पत्नी यानी धोबिन एक दिन अपनी सहेली के यहाँ पर एक रात्रि में रुक गई, जो घर पे नहीं आ पाई। तो अब वो धोबी अपनी पत्नी को धमका रहा है, क्या कह रहा है, क्या तू मुझे ऐसा वैसा समझती है, जो राम ने इतने दिन तक सीता लंका में रहाई और दोबारा रख ली, आज की रात तू कहाँ रही, आज के बाद में मैं तुझे घर में कदापि नहीं रखूंगा। उसी समय राम ने जब ये कठोर शब्द सुने, विचार किया कि समाज में बेमनुष्यता फैल रही है, तो इसी बात को लेकर के राम ने लक्ष्मण से कहकर के सीता को दोबारा वनवास दिलवा दिया। जी हाँ मित्रों, चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है, दोए सुख दें सुख होत है, दुख दें दुख होए। यदि तुम किसी को सुख दोगे तो उसके बदले में तुम्हें सुख मिलेगा, किसी को दुख दोगे तो उसके बदले में तुम्हें दुख मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आज की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सीता यदि उस तोता के साथ में गलत न करती तो शायद सीता को दोबारा, जब सीता गर्भावस्था में थी तो सीता को वनवास दे दिया गया, वन वन में भटक रही थी। प्राणी गलत कर्म करते करते कर तो देता है, जब उसका फल उसे भोगने के लिए मिलता है तो एक बार बुद्धि ठिकाने पर जरूर आ जाती है कि मैंने उसके साथ में वो गलत किया था। अब सीता वन वन में भटक रही हैं, वो पुरानी बात याद कर रही हैं और पृथ्वी माँ को कह रही हैं कि माँ अनजाने में मुझसे भी एक भूल बन गई थी, उसी भूल के कारण आज मुझे इतना बड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है। मित्रों, जब राम को बदला देना पड़ा, सीता को बदला देना पड़ा, कृष्ण को बदला देना पड़ा, तो संसार में अगर तुम सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, बदला तो सबको देना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए दर्शक बंधु बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।